हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एक डेट लिखी हुई है। अगर मैं इस डेट को नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ चला जाता हूँ तो यहाँ रैंडमली डेट जनरेट हो रहा है, देख सकते हैं 27, 24, 2, 3, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं इसको इधर की तरफ ड्रैग करता हूँ यानी कि राइट साइड की तरफ, तो इधर भी रैंडमली डेट जनरेट होते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये कॉलम छोटा पड़ गया है जिसकी वजह से ये ऐसी दिक्कत आ रही है। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये डेट रैंडम है, ये देखिए अपने आप चेंज भी हो रहा है। जैसे कि रैंडम नंबर चेंज होते हैं वैसे रैंडमली डेट भी चेंज हो रहा है। तो ये मैंने कैसे किया इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो डेटा है इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमको जनरेट करवाना है रैंडम डेट, तो यहाँ पे पहले डेट का फॉर्मूला लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये डेट का फॉर्मूला लगाया हमने और फिर यहाँ लिखेंगे रैंड बिटवीन। तो यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला दोनों एक साथ यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे मान लीजिए मुझे 2015 से लेकर 2021 तक का डेट चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, अब इसको बंद करिए, कॉमा दीजिए, फिर यहाँ पे रैंड बिटवीन लगाइए। तो यहाँ पे रैंड बिटवीन टाइप करेंगे, ये आ जाएगा। रैंड नहीं लगाना, रैंड बिटवीन लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमने ईयर तो ले लिया है लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ईयर लेने के बाद हमें चाहिए अब मंथ, ठीक है। 12 तक का होगा मंथ, तो हमको यहाँ पर टाइप करना है 12। ये हो गया, अब बंद कीजिए इसको। अब क्या करना है, फिर यहाँ पे रैंड बिटवीन लगाना है। तो ये रैंड बिटवीन लगा लीजिए और रैंड बिटवीन लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ बॉटम टू टॉप। तो अब फिर अब क्या बच गया, अब डेट बच गया। तो 1 से लेकर 30 तक के बीच की डेट चाहिए हमें, बस इतना ही करना है। और एंटर प्रेस कर दीजिए, एक बार और एंटर प्रेस कीजिए। ये आ गई डेट और अब आप रैंडम डेट जनरेट कर पाएंगे। ये देखिए, इसको नीचे ड्रैग करवाता हूँ, यहाँ पे डेट रैंडमली आ रहा है। जिस तरह से हम रैंडम नंबर डेट जनरेट कर सकते हैं वैसे रैंडम डेट भी जनरेट कर सकते हैं इजीली, और ये चेंज भी होगा। देखिए यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है। तो हम इसको चेंज, जैसे ही हम एंटर करने जाएंगे तो ये रैंडमली फॉर्मूले के थ्रू ये जनरेट किया गया है, तो ये चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि कैसे ये डेट जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।